नमस्कार दोस्तों। तो मैं बहुत दिनों से इस मतलब कि चैनल पे कहिए या फिर कहीं घूमने फिरने फिर नहीं गया, और बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं डाल रहा था इस चैनल पे, ब्लॉग कोई नहीं आई बहुत दिनों से। आप हो सकता है कि लगभग 20 दिन करीब हो चुके हैं वीडियो वगैरह नहीं आई। इसके पीछे कुछ कारण था, आप क्या बताऊँ। पहला कारण जो ये है कि मैंने अभी एक नई संस्था ज्वाइन की है, जहाँ पे लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक किया जाता है, और उस हेल्थ के साथ साथ अगर कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम पैसे कमाना चाहता है तो बहुत एक अच्छे लेवल पे इनकम कर सकता है, और पूरे वो भी मान सम्मान के साथ लोगों की दुआएं कमाते हुए इनकम कर सकता है व्यक्ति। कुछ कारण थे, पर्सनल मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चला गया था, कुछ लाइफ में मतलब बहुत एक तरह से बुरा हो गया था, बुरा फील भी हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, और जिन लोगों की वजह से हुआ मैं क्या बताऊँ। तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो लोग बस खुश रहें, और कुछ मैं नहीं कहूँगा। मैं किसी को कभी बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई कोई भी हो। तो बस सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, थोड़ा सा डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला गया था वीडियो पर। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आप तो सेकंड चैनल पर वीडियो डाल रहे थे, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रहे थे, फेसबुक पर वीडियो वो डाल रहे थे जो मेरी पुरानी वीडियो थी, वही फेसबुक डाल रहे थे। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालना मेरा मजबूरी था, क्योंकि जानते होंगे कि मैं जोश पे वीडियो बनाता हूँ, जोश ऐप पे वीडियो बनाता हूँ। जोश ऐप से हम लोगों को पेमेंट मिलता है, फिक्स सैलरी मिलती है हम लोगों को। तो जो हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, वही इंस्टाग्राम वाली मतलब कि अलग से बनाने का मन नहीं करता था, इसलिए मैं जो इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता फिर इंस्टाग्राम वाली वीडियो डाउनलोड करके फिर वही जोश पे डाल देता था, ताकि मेरा जो जोश का पेमेंट का जो वो है वो चलता रहे, क्योंकि अगर रोक देंगे तो फिर वो भी रुक जाएगी। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम वगैरह बना देता था वीडियो, मन नहीं करता था फिर भी मैं बना देता था। कहते क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि कुछ चार पैसे हाथ में रहेंगे तभी ज़िंदगी लाइफ आगे बढ़ेगी। इसीलिए मैंने ये संस्था भी ज्वाइन किया है जो मैंने आपको बताया अभी, जहाँ पे आप हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी ले सकते हैं। हेल्थ और वेल्थ दोनों पर संस्था काम करती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी अगर करना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरा मोबाइल नंबर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और अगर मिल सकते हैं तो मिल भी सकते हैं गाजीपुर आके आप लोग, अगर गाजीपुर से तो अच्छी बात है, और दूर से तो भी आप मुझे से मिल के आप चाहे फिर या ऑनलाइन भी आप उसके बारे में बता सकता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से, मुझे उसकी अच्छी तरीके से नॉलेज भी हो गई है तो मैं बता भी सकता हूँ। ठीक है, तो यही कारण थे जो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था, और थोड़ा सा धीरे धीरे इस काम में मन लगने लगा, तो फिर जो डिप्रेशन वाली बात है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि ज़्यादा मन यहाँ पर लगा रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद को बिजी रख रहा हूँ, ताकि जो वो बात है डिप्रेशन वाली वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, बस और कोई बात नहीं। तो ऐसे प्रयास करूँगा वीडियो आपको दूँ, कुछ नहीं तो कम से कम अगर आसपास ही कहीं जाऊँ तो उसका वीडियो वगैरह बना के दूँ, या फिर मैं अभी 6 तारीख को बनारस जाने वाला हूँ तो वहाँ की प्रयास करूँगा वीडियो बना के दूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे आती है भूल ज़्यादा था कि वीडियो वगैरह मन नहीं लगता था, थोड़ा भी मन नहीं करता था कि वीडियो वगैरह बनाएं। आप लोग देखेंगे उस चैनल पे भी क्या बोलते हैं, जो मेरा ठीक चैनल उस पर वीडियो नहीं आ रही है, और नहीं तो उस पर दो हर एक कम से कम 1-2 दिन के अंदर भी वीडियो मैं वीडियो में डाल देता था, लेकिन अब नहीं डालने का मन कर रहा था इसलिए नहीं डाला। तो चलिए प्रयास करूँगा कि उस पर भी ट्राई करूँ डालने का, ठीक चैनल पर भी, और यहाँ भी प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी जानकारी और बातें अच्छी लगी अगर, और हाँ आपको अगर वो जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरा मोबाइल नंबर पर ट्राई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपको जानकारी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम।